अरे क्यों आया यहाँ पे? चाहे कोई मुझे आदमी कहे, क्योंकि जानवर तो मैं मालूम है। और बताओ क्या हाल चाल है दोस्तों? तो भाई साहब ये रहे भाई चूहे माउस, एक एक कर गाइस पकड़ के ले गया हूं। गाइस लेकिन माने मेरे पास पड़े थे लेकिन भाई टाइम पे नहीं मिले, सूत्र सारे रफा दफा हो गए। तो भाई इतनी मुश्किल से मेरे को मिले हैं भाई साहब। अब जाके समर ब्लॉग ऑफिशियल देख सकते हो चैनल भैया, दूसरा चैनल यूट्यूब वाला। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भैया इतने सारे किस्ते के गाइस मैं लेकर आऊं भाई, छह चूहे माउस है। तो गाइस सिकिर माने आज इन माउस का हम ऐसा कुछ धांसू जुगाड़ बनाने वाले हैं भाई, मजे आ जाएगा। तो गाइस जब भी तुम्हें टाइटल में कहता हूँ प्लीज दोस्तों कोई भी पुरानी चीज ना फेंके, कबाड़ा समझ के ना फेंके, ये बना लो मजा आ जाएगा। चले गाइस फटाफट चलते अपने टॉय पर लौटो। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। हाँ इंट्रो देख लिया हम आ गया। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे माउस हैं, इनमें से हम कोई सभी एक ले लेंगे। ये ठीक लग रहा है, मतलब ज्यादा इसकी कंडीशन खराब है, देखिए ये टेप सेप चिपका रखी है। चले गाइस इसे ले लेते हैं। और भैया हमें इसकी जो लीड है इसकी कोई भी आवश्यकता फिलहाल नहीं है। भाई साहब यकीन मानिए इसकी इतनी कंडीशन खराब है, मतलब टेप से चिपका रखा, ये है असली इंडियन जुगाड़। बस कैसे करके चीज को चलाना है, ये खुल तो जाना चाहिए, तो हम किसी का सहारा लेंगे स्क्रू ड्राइवर का। लो भैया ये गया खुल खुल। ओ भाई मुझे लगा टूट भी रहा दिखा है शायद। अच्छा भाई चिपका रखा है स्टर ग्लू से, ये अलग ही दिख रहा है भैया। तो भाई साहब ये रहा हमारा अंदर से, मतलब हमारा अंदर से नहीं माउस के अंदर से। और भाई साहब ये इसकी किट और इसे स्क्रॉल कहते हैं आई थिंक, ये जो रोलर है इसका स्क्रॉल होता है इससे पेज ऊपर या नीचे। तो भैया हमें फिलहाल इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और जो पुश बटन है कटक दे क्या मस्त आवाज आती है, इनकी भी तो नहीं है लेकिन इसकी जरूरत है, इससे थोड़ी सी रियलिटी आएगी, इसका काम भी है। और हम चाहे गाइस इसी भी ले सकते हैं, चलो खैर बाद में देखेंगे। अब गाइस ये बॉडी काफी गंदी हो रही है और पुरानी भी लग रही है, तो भैया पहले फटाफट इसे साफ कर लेते हैं, चमका लेते हैं। तो गाइस थिनर काफी खतरनाक था, तो भाई साहब उसने सारे नंबर कंपनी ब्रांड सब छुड़ा के साइड रख दिए, अभी ये पहले से ज्यादा साफ हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले फिट करेंगे इसके अंदर एक स्पीकर, भाई साहब जगह की बहुत कमी है। और गाइस आप इसका फंक्शन गिनते चले जाओगे, इतने सारे फीचर इसके अंदर एड होने वाले हैं, देखते गाइस। तो सबसे पहले भाई साहब ये छोटा सा नन्ना मुन्ना स्पीकर है 3 वाट और 4 ओम का, इसके अंदर फिट करते हैं। तो गाइस स्पीकर काफी क्यूट सा लग रहा है छोटा सा इसमें, लेकिन भाई इसके साइज पे मत जाना, मैंने काफी बार कहा है और ये मैंने अच्छे से ग्लूगन से चिपका दिया है। अब आते हैं भाई साहब इसकी किट पर, देखिए ये इसी की पुरानी किट है। तो भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस इस किट से हमारे काम हो जाए, 1 2 3 ठीक है, 3 स्विच तो गाइस इसी में है। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से, 1 11 दूसरा 11 और 3 11 जो स्क्रॉल का होता है ना वो वाला। और गाइस एक प्रीसेट ये लग रहा है जो हम किट लगाने वाले हैं इसमें, उसमें इस प्रीसेट की जरूरत नहीं है ना, लेकिन भाई स्विच की जरूरत है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ गाइस क्योंकि इसमें यार लिमिटेड जगह है, तो गाइस मैं इस किट को थोड़ा सा काट दूं, मतलब कि काट देते हैं डायरेक्ट अगर ये कट जाए तो सॉरी। ओ माय गॉड, खैर कोई बात नहीं, अब टूट गई तो क्या कर सकते हैं, एक दक्षिण में गई एक पूर्व में गई, लेकिन भाई टूटने के बाद क्या चिपक नहीं सकती, हम देन अब भी चिपका लेंगे। खैर गाइस पहले चेक करते हैं भाई ये स्विच ठीक है नहीं है, ये जो स्विच इसमें लग रहे हैं क्या ये ठीक है। तो भाई पहले से हम कंटिन्यूटी पर लगा लेते हैं, ठीक है दबाना भाई साहब जरा छोड़ो, दबाओ सही से दबाओ, छोड़ो दबाओ, हाँ ये स्विच तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये स्विच ओके मजा आ गए, एक वाला स्विच इसे भी देखते हैं जरा। तो जब मेरे को दबाना दबाओ छोड़ो दबाओ, भाई भाई ये स्विच भी ठीक है, इसमें एक स्विच और देगा ये वाला है ना, इसे पुश करना आपको, दबाओ दबाओ दबा रहे हो। तो गाइस मुझे लगता है ये स्विच खराब है, ये जो गाइस माइक्रो स्विच है ये खराब है और ये लग भी रहा है, थोड़ा बहुत जंग लगा पड़ा है, चला गया इसे फटाफट चेंज कर देते हैं। तो गाइस स्विच मेरे पास फिलहाल नहीं है, है तो से लेकिन 4 टांगों वाला है 4 लैक। तो भैया जो पुराने माउस है ना, हाँ इनमें ठीक लग रहा है, देखते गाइस निकल जाता है। चिपक गया, अब भाई चिपका तो दिया है, इनकी आवाज एक दूसरे से टच नहीं होनी चाहिए। तो गाइस जैसे ये अलग है इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका दूसरा पिन जो है ये भी भाई साहब अलग है, ये भी किसी से नहीं लगा हुआ, इसके देखते हैं ये इससे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ से काट देंगे बीच में से, यानी इस लाइन को हम उखाड़ देंगे, वरना गाइस ये बात में दिक्कत करेंगे प्रॉब्लम करेंगे, यहाँ से अलग कर दें, यानी कि कोई भी एक दूसरे से मिलना नहीं होना चाहिए।
भाई जितने मैंने पुराने माउस खोले तो गाइस सब में ये वाला स्विच लग रहा था, ठीक है, खाली इसमें ये छोटा माइक्रो स्विच लग रहा था। तो गाइस एक ही बात है, इसे लगाओ क्योंकि दोनों का एक ही काम है, ठीक है। तो इसे मैंने निकाल दिया है, इसके गाइस ये लग गया, ये और भी अच्छा काम करेगा। तो भाई इसमें भी तीन स्विच हो गए, एक दो और तीसरा, और भाई सर अभी मुझे इसमें दो स्विच और लगाने हैं, भाई मुझे इसमें पांच स्विच लगाने इसी से ही, ठीक है। तो भाई ऐसा मैं क्यों लगाने वाला हूँ, चलो आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ये वाली एम्पलीफायर किट या ब्लूटूथ मॉड्यूल। गाइस ये ऑल इन वन है, इसमें HDMI भी लग जाएगा, USB भी लग जाएगी, ये चार्ज भी कर देगा, इसमें ब्लूटूथ भी है और भाई इसमें LED भी है, मतलब कि सारे फंक्शन है, सारे का सोल्यूशन है ऑल इन वन। ये दोनों LED है, आप इसे बटन से ऑन ऑफ कर सकते हो। और गाइस ये मॉड्यूल में 80 रुपए का अपने लोकल मार्केट से लेकर आया हूँ, अगर ऑनलाइन मिला तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर परचेस कर सकते हो, वरना गाइस आप इसे ऑफलाइन भी ला सकते हो। अब गाइस क्योंकि इसमें पांच स्विच है, तो भाई साहब पांच के पांच स्विच हमें इससे चलाने हैं, इससे हैंडल करने हैं, जिससे गाइस सारा काम कर सके। अब वही तो गाइस इसमें जुगाड़ है, वही तो चीज करनी है भाई, यही बड़ा केड़ा काम है। तो भाई अगर मैं इसे यहाँ लगाऊं तो ये यहाँ पर आसानी से लग जाती है, ठीक है, इसे ठीक है यहाँ फंस गई ये रहा। तो भाई तीन स्विच तो हो गए, ठीक है, अब दो स्विच हमें और लगाने हैं। तो गाइस मैं सोचो हम दो स्विच इस पर लगाते हैं, जिससे गाइस अगर आगे करें तो चौथा स्विच लग जाए और पीछे का तो गाइस यहाँ पर पांच स्विच लग जाए। तो गाइस सारा सिस्टम इसी से हो जाए और हमें कुछ और ना करना पड़े। तो भाई ये रहे दो माइक्रो स्विच, तो भाई फटाफट से फिट करते हैं, अब देखते हो गाइस कैसे लगाते हैं। तो भाई लोगों व्हील बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी आप डायरेक्शन देखिए कौन सा स्विच कैसा काम करता है। अब देखिए अगर मैं ऐसा करता हूँ ये रहा, ये मैं इसे नीचे दबाता हूँ तो देखिए ये वाला काम करेगा, और मैं अपनी तरफ देखिए देखिए ये पीछे वाला काम करेगा, आगे धकेलता हूँ देखिए, ठीक है। तो गाइस ये तीन स्विच का काम करेगा ये रहा, आपको आवाज़ पता लग जाएगी स्विच की, देखिए ये कम आवाज़ है, देखिए ये अलग आवाज़ है और ये अलग आवाज़ है। तो गाइस आप फटाफट से करते हैं कनेक्शन। देख रहे हो गाइस कैसा बिजली घर हो गया है, मैं आपको इसके कनेक्शन बता दूं। गाइस ये रहा पावर का, अगर आप इसको रोल को नीचे करोगे रोल को नीचे करोगे तो गाइस ये पावर ऑन ऑफ हो जाएगा। ये वाला स्विच है नेक्स्ट का और वॉल्यूम अप का, वॉल्यूम बढ़ेगी, ये प्रीवियस का है और वॉल्यूम कम भी करेगा। ये गाइस LED का है ये वाला जो है, ठीक है, व्हाइट वाला LED ऑन ऑफ करेगा, और ये वाला है ये मोड चेंज करेगा, USB हो गया या माइक्रो SD कार्ड हो गया। तो भैया स्पीकर वाइबर लगा दी है, अब आते हैं भाई इसकी पावर पर, यानी कि इसे चार्ज करने पर और इसकी बैटरी पर। गाइस ये है 400 मिली एम्पीयर की बैटरी जो कि लिथियम पॉलीमर बैटरी है और ये काफी पावरफुल है, तो इसके लिए बेस्ट रहेगी, तो इसे इसमें फिट करना काफी आसान रहेगा, वरना गाइस स्पेस की तो बहुत ज्यादा कमी है। अब गाइस इसमें लगाते हैं भैया चार्जिंग के लिए सॉकेट, अलग से लगाना पड़ रहा है वरना गाइस दिक्कत होगी। अब गाइस वैसे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और भाई अभी मैंने इसकी टेस्टिंग नहीं की है। अब देखिए गाइस HD कार्ड तो बहुत कम लोग चलाते हैं, बाय चांस का कोई चलाता होगा, वरना गाइस पेन ड्राइव ज्यादा चलाते हैं लोग, वरना ब्लूटूथ बाय चांस कोई चलाता हो अलग बात है वो लगा सकता है, वरना गाइस हम मोस्टली ब्लूटूथ का यूज करते हैं। फिर भी गाइस मैं चलिए इसे और लगाता हूं। तो गाइस यार USB टाइप ए का एक सॉकेट मैं इसी में लगा सकता हूं, वरना गाइस यहां पर मैं एक छोटी सी कटिंग कर दूंगा, इसके अंदर आप चिप भी डाल सकते हो, तो गाइस सारे फंक्शन काम करेंगे। तो फटाफट गाइस इसे लगाते हैं पहले। सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे गाइस USB कौन चला था, फिर भी मैंने ऑप्शन दी थी आप लगा सकते हो, आप HD कार्ड भी लगा सकते हो। अब गाइस एक बार चेक कर लेते पेन ड्राइव चल रही है नहीं चल रही, तो भैया हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए गाइस यहां से मैं आपको बात बताऊंगा, चलिए यहीं से दिखाता हूं, इसे पुश करोगे ऑन हो गया, ठीक है, ये फिलहाल ब्लूटूथ मोड है, ठीक है, तो इसे हम लगा के देखते हैं, पहले ये लगा लेते हैं और देखते हैं मोड चेंज करके। ओह ये लो बैटरी का ऑप्शन आ गया, भैया जल्दी से चार्ज पे लगाते हैं, ठीक है, तो गाइस मैं डायरेक्ट यहीं से चार्ज पे लगा देता हूं इसे। देख गाइस ये चार्ज हो रहा है, ठीक है, चल भी रहा है, तो भैया देखते हैं FM चल रहा है, बस ब्लूटूथ मोड और अरे भाई USB तो चल जा। गाइस USB नहीं चल रही, ये बड़ी दिक्कत है भाई, एक बार फिर लगा देखते हैं, पहले काम करते बंद करते हैं, ये हो गया बंद, ये एक काम करते हैं पहले से लगा लेते हैं आपके, क्या बताओ लगाने बाद चले। अरे यार भाई सर दर्द है गाइस, तो भाई ये नहीं चल पा रहा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है इस बोर्ड में, गाइस में FM और ब्लूटूथ मोड चल पा रहे हैं। तो चले गाइस फटाफट से भैया पहले फिट कर लेते हैं, फिर इसके फंक्शन जानेंगे कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इसके साउंड कैसे हैं, और गाइस इस बोर्ड को मैं उल्टा लगाऊंगा जो गाइस यहाँ पर LED है। तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो, मतलब तारों का तो भाई साहब यहाँ पर माहौल लगाना पड़ा है पूरा। तो चले गाइस मैं एक बार से फटाफट बंद कर लेता हूँ।
तो गाइस हमारा बीटी माउस या ब्लूटूथ स्पीकर या माउस कंप्लीट हो चुका है। और गाइस इसमें कितने सारे फंक्शन है, देखिए चार्ज आप कर सकते हो, स्पीकर है और भाई यहाँ पे तो काफी सारा सिस्टम है, 1, 2, 3, 4 और भाई एक पीछे हम इसे ऑन कर देंगे, ठीक है। तो गाइस पहले से चार्ज करके देख लेते हैं। तो भैया यहाँ पर इसके अंदर इंडिकेटर शो होगा जब ये चार्ज होगा। तो गाइस इसकी रेड लाइट चल रही है जो कि ये चार्ज हो रहा है, तो आपको इसमें लाइट शो हो जाएगी, इंडिकेटर शो हो जाएगा चार्जिंग का। अब चले गाइस इसे ऑन करते हैं, तो इसे पीछे करना पड़ेगा तभी ऑन होगा, देखिए तुरंत एकदम चालू। और गाइस इसके अंदर लाइट जल रही है, आई थिंक आपको लाइट अब चमक रही होगी। और गाइस इस लाइट को बंद भी कर सकते हैं, देखिए बंद होगी और इधर देखिए इधर करूंगा फिर ये चालू हो जाएगी। तो अगर आपको बैटरी बचानी हो तो गाइस आप इसे बंद कर सकते हो, और भैया अगर लाइट आपको चलानी हो थोड़ा सा नाइट वेट का टाइम है तो इधर कर दो लाइट चल जाएगी। लाइट का स्विच काम करता है ये इधर को, रोलर को इधर करोगे देखिए तब लाइट चलेगी, ठीक है इधर कर दूंगा दोबारा तो ये बंद हो जाएगी। अब गाइस फटाफट कनेक्ट करते हैं गरीब वाले मोबाइल से, देखिए 005 पे क्लिक करते हैं, कनेक्ट हो गया। तो चले गाइस अब गाना प्ले करते हैं। तो गाना प्ले होगा गाइस, आवाज गाइस बिल्कुल HD क्लियर है। और मैं अभी इन बटन का यूज करके देखता हूँ, देखिए इससे आवाज कम होगी, ठीक है देखिए। और इसे क्लिक कर दूंगा, इससे नेक्स्ट गाना आ गया, ठीक है, और इससे प्रीवियस गाना आ गया, ठीक है। तो गाइस दोनों अगर एक बार सिंगल आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट और प्रीवियस गाना, ठीक है, और क्लिक करोगे तो गाइस आवाज वॉल्यूम कम या डाउन होगी। तो गाइस मैं इसे कम कर रहा हूँ। गाइस चलिए एक बार मैं इसके सारे फंक्शन आपको दिखा देता हूँ, आपको तसल्ली हो जाएगी कि सारे फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं। अभी गाइस ये फिलहाल बंद है, ठीक है, इसे पहले मैं ऑन करता हूँ, कोई भी गड़बड़ नहीं हो रही, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एक एक फंक्शन होगी ये अलग काम करेगा नहीं, पूरा काम करेगा, ठीक है। तो भैया गाने को प्ले करते हैं, लाइट बंद करते थे इसकी क्योंकि बैटरी कंज्यूम करेगा, लाइट बंद कर दिए। एक बार दबा दी तो नेक्स्ट हो गया, एक बार दबा दूंगी, दोनों अच्छे से काम कर रही है, आवाज कम करनी है, ठीक है आवाज कम होगी, बढ़ानी है, बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। गाइस से पोज करके देखते हैं, आई थिंक ये पीछे को पोज होगा, देखिए अगर ऑन ऑफ करने वाली जगह अगर मैं इसे पीछे करूंगा, बटन को पुश करूंगा पीछे की साइड जहाँ से ऑन ऑफ होता है, ठीक है वहाँ से पोज जाता है। और एक बार करता हूँ, देखिए चालू हो गया, ठीक है। और आगे से क्या होगा, आगे से मोड चेंज होगा, ठीक है। तो गाइस सारे फंक्शन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आवाज गाइस बिल्कुल HD क्लियर है। तो गाइस मैं इसे बंद करता हूँ, ज्यादा टेस्टिंग हो रही थी, मैंने आप जानते हो गाइस कॉपीराइट का इशू आ सकता है, गाइस ये थोड़ी सी गड़बड़ कर गया, वरना गाइस मैंने आप जानते हो गाइस मैंने डायरेक्ट आपको यूएसबी चला के दिखाया था लगाकर, वो काम नहीं किया, शायद हो सकता है बोर्ड में प्रॉब्लम हो, तो आपके शायद बोर्ड प्रॉब्लम ना हो तो आप ला सकते हो। तो गाइस ये काफी कॉम्पैक्ट साइज है, तो आप इसे अपने कंप्यूटर टेबल पर रख सकते हो और स्टडी टेबल पर रख सकते हो, और आप इसे पॉकेट में रख सकते हो, कॉलेज ले सकते हो, धूम धड़ाका मचा सकते हो, मजा आएगा काफी। और गाइस प्लीज आप मुझे बता सकते हो कितने फंक्शन कर रहा है, ये जो 3 स्विच हैं क्या क्या काम कर रहे हैं, ये कितने ये काम कर रहे हैं। खैर गाइस बहुत लंबी वीडियो जाएगी, तो फ्रेंड्स आई होप ये कॉम्पैक्ट साइज माउस या ब्लूटूथ स्पीकर आपको अच्छा लगा। प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।